नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, केंद्र सरकार की वो सभी योजनाएं कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार ट्रेंड करती हैं। साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। साथियों देखिएगा, छापिएगा दिमाग में, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। याद रखिएगा साथियों, जब भी योजना से प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा लगभग जो चांस बनते हैं 98% जो चांस होते हैं, पूछी जाती है कि योजना शुरू कब से की गई थी। साथियों तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है नमामि गंगे योजना बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी। साथियों तो याद रखिएगा, नमामि गंगे योजना की जो शुरुआत है ये की गई थी आपकी 10 जुलाई, जी हाँ 10 जुलाई 2014 को, याद रखिएगा। और किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? जल संसाधन मंत्रालय। साथियों याद रखिएगा, और उद्देश्य क्या रखा गया था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण, इसका उद्देश्य रखा गया था। साथियों क्या रखा गया था? नमामि गंगे योजना का उद्देश्य रखा गया था गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धिकरण को लेकर था। साथियों क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकंड योजना की, तो ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, याद रखिएगा साथियों, दिमाग में छापिएगा। और यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी राइट ऑप्शन की, तो क्या लगाएंगे? याद रखिएगा 28 अगस्त 2014। और किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये भी आपको याद रखना है, वित्त मंत्रालय द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, काफ़ी चर्चा में रही है ये योजना और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। साथियों तो याद रखिएगा, मेक इन इंडिया की शुरुआत जो की गई है ये 25 सितंबर, जी हाँ 25 सितंबर 2014, याद रखिएगा डेट आपको याद रखना है, मेक इन इंडिया। और उद्देश्य क्या था साथियों? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। साथियों क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात कर रहे हैं, तो सांसद ग्राम आदर्श योजना की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। साथियों क्लियर है। यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मिशन इंद्रधनुष, जी हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ज़रूर छापिएगा, याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष, डबल स्टार दीजिएगा इस पर, मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा डेट आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2014, जी हाँ आपको याद रखना है। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो योजना लाई गई थी इसमें 7 बीमारियों का टीकाकरण किया गया था साथियों, सुरक्षा करने की बात की गई थी। 7 बीमारियां कौन कौन सी हैं? 7 बीमारियां वो देखिएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी और खसरा, हेपेटाइटिस बी। साथियों ये 7 जो बीमारियां थी साथियों, इसमें विशेष रूप से टीकाकरण का उद्देश्य रखा गया था 7 बीमारियों को लेकर। क्लियर है। तो मिशन इंद्रधनुष जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं पहली योजना, और पहली योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात कर रहे हैं, तो बहुत बार पूछी गई है और काफ़ी चर्चा में रहती है साथियों, याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015। साथियों क्लियर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, और याद रखिएगा साथियों ये बेटी बचाओ बेटी जो बढ़ाओ, इसका उद्देश्य जो रखा गया था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। साथियों क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। साथियों क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, उजाला की बात कर रहे हैं, उजाला योजना काफ़ी बार पूछी गई है, याद रखिएगा साथियों उजाला योजना की जो शुरुआत की गई है 1 मई 2015 से की गई है। उजाला योजना विशेष रूप से आपको याद रखना है कि कब से शुरू की गई है, 1 मई 2015। और विशेष रूप से याद रखिएगा उन्नत ज्योति, उजाला का जो फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED, है ना, LED जो बल्ब थे साथियों इसको प्रोत्साहन किया गया है और ज़्यादातर फ्री में बल्ब बांटे गए साथियों इस योजना के तहत। साथियों क्लियर है। और कम मूल्य में प्रदान किए गए। नेक्स्ट देखिएगा, अटल पेंशन योजना की बात कर रहे हैं, अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है साथियों याद रखिएगा 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। अमृत योजना की बात कर रहे हैं, तो अमृत योजना की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा 24 जून 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। और अमृत का फुल नेम जरूर पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, अमृत का फुल नेम, अमृत का फुल नेम पूछा गया है, याद रखिएगा ये फॉर अटल मिशन, अटल मिशन फॉर राजीव पेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। साथियों क्लियर है, ये नाम आपको फुल नेम जरूर याद रखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये शुरू हुआ था 25 जून 2015 से। साथियों कब से हुआ था? 25 जून 2015 से शुरू हुआ था, विशेष रूप से आपको याद रखना है।
नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत बार पूछी गई है, याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, यह योजना काफ़ी बार चर्चा में भी रहती है और ये योजना पूछी भी गई है काफ़ी बार एग्जामों में साथियों, तो याद रखिएगा, छापिएगा, 25 जून 2015 को की गई है। किसकी शुरुआत? प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत है 25 जून 2015 को, और याद रखिएगा वर्ष इसका जो उद्देश्य है वर्ष 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, डिजिटल इंडिया मिशन की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी, 1 जुलाई 2015 आपको डेट जरूर याद रखना है साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, तो कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया सिंचाई को लेकर, याद रखिएगा 1 जुलाई 2015, दोनों 1 जुलाई 2015 आपको याद रखना है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत बात कर रहे हैं, तो स्किल इंडिया जो मिशन है इसकी शुरुआत की गई थी 15 जुलाई 2015 को की गई थी साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, दीनदयाल, याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 2015 को हुई थी, ज़्यादातर योजना 14-15 में शुरू की गई है, आप याद रखिएगा विशेष रूप से। और याद रखिएगा सागरमाला परियोजना, सागरमाला बहुत बार पूछी गई है, सागरमाला जो परियोजना की शुरुआत हुई है ये हुई है 31 जुलाई 2015 को साथियों, सागरमाला आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है ना साथियों, याद रखिएगा, बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क या बोल सकते हैं रेल परिवहन को जोड़ना है साथियों, सागरमाला योजना, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टैंड अप अब इंडिया की शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो 5 अप्रैल 2016 ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई है, तो उड़ान योजना जो है शुरू की गई थी साथियों, याद रखिएगा प्यारे साथियों, 27 अप्रैल 2017, जी हाँ ये डेट आप ज़रूर याद रखेंगे। उड़ान का फुल नेम भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो बहुत ही आसान है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये जो उड़ान का फुल नेम है उड़े देश का आम नागरिक, क्या याद रखेंगे, यू से उड़े और डी से हो जाएगा देश और ए से हो जाएगा आम और ना से हो जाएगा नागरिक साथियों, क्लियर है। तो उड़े देश का आम नागरिक विशेष रूप से आप याद रखेंगे। दीक्षा पोर्टल की बात कर रहे हैं यहीं पर, तो याद रखिएगा दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई थी 5 सितंबर 2017 को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था ये शुरू। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, ये तो काफ़ी चर्चा में रहने वाली योजना है साथियों, याद रखिएगा, जिसके तहत जो फ्री में आपके सिलेंडर प्रदान किए गए एलपीजी, तो याद रखिएगा 1 मई 2016 से शुरू की गई थी और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले, विशेष रूप से आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी 1 मई 2016 साथियों, क्लियर है। इसके तहत एलपीजी सिलेंडरों को वितरित करना था, सरकार का उद्देश्य ये था साथियों। इसके तहत प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना की शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को साथियों। वरिष्ठ पेंशन की बात कर रहे हैं, तो वरिष्ठ पेंशन की शुरुआत जो की गई थी एलआईसी द्वारा की गई है 1 जनवरी 2017 को साथियों, वरिष्ठ लोगों के लिए पेंशन चालू की गई है, किसके द्वारा, एलआईसी द्वारा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, जो किसानों के लिए दी जाती है साथियों, तो याद रखिएगा 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई है यह योजना, याद रखिएगा, क्लियर है, जिसमें ₹2,000 की किस्तें दी जाती हैं, याद रखिएगा साल में साथियों, क्लियर है। यहीं पर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 15 फरवरी 2019 को, और साथियों अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, जी हाँ बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा साथियों। अग्निपथ योजना, काफ़ी बार इसका विरोध भी हुआ है अग्निपथ योजना का, तो याद रखिएगा अग्निपथ योजना आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत हुई थी 14 जून 2022 को की गई थी अग्निपथ, क्या है इसका नाम, अग्निपथ, याद रखिएगा नवीनतम योजना है तो आपसे पूछी जा सकती है। इसमें याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, 10वीं और 12वीं पास युवक और युवतियाँ को क्या किया जाएगा, 17.5 से 21 वर्ष जो आयु वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें अग्निवीर बनाया जाएगा, या बोल सकते हैं फोर्स में भर्ती किया जाएगा, चाहे वो एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, चाहे थल सेना की बात कर रहे हैं या नेवी की बात कर रहे हैं, सभी में साथियों, क्लियर है। कितने वर्षों के लिए, सिर्फ 4 वर्षों के लिए अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए वी स्टार योजना जो है, यहाँ पर ए वी
सार ABSAR योजना जो है साथियों, ये योजना शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2022 को साथियों, क्लियर है। विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों, इसका फुल नेम पूछा जा सकता है, क्लियर है। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं पीएम श्री जो योजना है साथियों, याद रखिएगा ये पीएम जो SHRI योजना की शुरुआत जो की गई है ये 5 सितंबर 2022 को की गई है। कब की गई है? 5 सितंबर 2022, याद रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं UR 2.0 यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना, और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को की गई है, याद रखिएगा UR 2.0 साथियों। वहीं पीएम मित्र योजना की बात कर रहे हैं तो पीएम मित्र योजना की जो शुरुआत हुई है साथियों 6 अक्टूबर 2021 को की गई है, और याद रखिएगा ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछी गई एग्जाम में पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, जान है तो जहान है साथियों, जान है तो जहान है, यह अभियान शुरू किया गया है 21 जून 2021 को साथियों, 21 जून 2021। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात कर रहे हैं, ये अन्य योजना की शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा ये की गई है आपकी 11 जनवरी 2023। जी हाँ, नवीनतम योजना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है करंट अफेयर के रूप में साथियों। आरोग्य मित्र की बात कर रहे हैं, आरोग्य मित्र शुरुआत की गई है, ये की गई है आरोग्य मित्र की शुरुआत 13 जनवरी 2023, नवीन है, करंट अफेयर के रूप में पूछी जा सकती है, दिमाग में छापिएगा आप। फिट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा फिट इंडिया जो मूवमेंट है ये योजना शुरुआत की गई है 29 अगस्त 2019 को साथियों। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जी हाँ वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा साथियों। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।